स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे चैनल में। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके मत जाएं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एक भवन है, भवन 20 मीटर ऊंचा है, मतलब ये भवन है और ये 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है। यहाँ पर एक मीनार लगी है, ऐसे टावर जिसको बोलते हैं। यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये आपका क्या है, भवन है। उसके ऊपर ये मीनार है लगी, संचार मीनार जिसको टावर कहते हैं। और एक बिंदु से जब इसको देखा जाता है ऐसे, तो वहाँ पर इसका जो कोण बनता है 45 डिग्री का बनता है। मतलब ये यहाँ से इस मीनार के आधार का कोण 45 है, और यहाँ से इसके शिखर का, ये जो शिखर है सी, इसका आधार कोण वो उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आधार का उन्नयन कोण है और ये शिखर का उन्नयन कोण है। बिंदु पी से मान लेते हैं भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, बिंदु पी से अगर ये, और ये इसको एच मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई एच है, मीनार के आधार को देखता है तो 45 डिग्री का कोण बनता है, और शिखर को देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। भवन की ऊंचाई, और यह है ए बी बराबर है 20 मीटर। माना संचार मीनार की ऊंचाई, एच मीटर, ठीक है। मीनार के शिखर का, के आधार का, पहले आधार का लेते हैं, आधार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। माना एपी बराबर एक्स मीटर, हमने इसको एक्स मान लिया, बिना कुछ माने तो निकलेगा नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका बार बार यूज होगा। जब छोटे थे रोज लेंगे तो उसमें भी आएगा, बड़े वाले में भी आएगा। अब सबसे पहले हम इस छोटे वाले में लेंगे, इतने में, इसमें। अब एक त्रिभुज पी ए बी में, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि हमेशा 90 का बनेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ये दिया है, ये निकालना है, लंब आधार लग जाएगा, तो टेन 45 बराबर लंब है ए बी बटा है ए पी, इतना बटा इतना, 45 का मान 1/1 हो गया, ए बी 20 है और ए पी फाइंड करना है, तो ए पी क्या निकल गया, क्रॉस करोगे तो 20 मीटर आ गया। मतलब अगर ये आ गया, अब इसको हम क्रॉस कर देते हैं इसे, तो ए बी 20 मीटर आ गया, ठीक है। अब पूरे त्रिभुज ले लेंगे पी ए सी में, पी ए सी में ये लंबा है, तो यहाँ टैन 60 डिग्री बराबर ए सी बटा ए पी हो गया। टैन 60 का मान कितना होता है, √3 है, ए सी हमारा ये दोनों मिला के बन रहा है 20 प्लस एच, और ये हो गया एक्स, और ए पी एक्स है, तो एक्स बराबर 20 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया 20 प्लस एच बराबर √3 एक्स हो गया, फिर छगुणा कर लो यहाँ पे, तो 20 प्लस एच बराबर √3, एक्स की वैल्यू 20 है, तो √3 गुणे 20 हो गया। अब यहाँ ले जाके इसे घटा दो, तो एच बराबर हो गया 20√3 माइनस 20, यहाँ से 20 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया। अब ऐसे में या तो गुणा कर लो, दशमलव रख के √3 का माने 0.73 लेके,
क्लियर कर लो, और नहीं तो यहाँ पर 20 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा रूट 3 माइनस 1, और ये बराबर हो गया यही ऊंचाई h बराबर 20। सीधा ये लिख दो, अभी तो आ ही गया सॉल्व, और आगे हम सॉल्व करेंगे तो फिर पॉइंट में रख के करना पड़ेगा। तो मीनार की ऊंचाई बराबर, संचार मीनार है, संचार मीनार ऊंचाई बराबर 20 एक मीटर, और ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, और यहाँ पर संचार मीनार की ऊंचाई निकालना था, और ये आपका निकल गया। क्वेश्चन 8 की तरफ, क्वेश्चन 8 क्या है कि एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, स्टैचू लगी है। पेडेस्टल होता है जहाँ पर स्तंभ, एक तरह से कह सकते हैं एक प्लेटफार्म होता है जहाँ पर किसी मूर्ति को स्थापित किया जाता है, तो एक चबूतरा भी कह सकते हैं। तो ये चबूतरा है, पेडेस्टल है, और इसके ऊपर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। एक बिंदु से इस पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, और इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना, ये ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं, बस वही है। इससे पहले क्वेश्चन में था कि मीनार को, संचार मीनार को पता करना था, भवन की ऊंचाई दी गई थी, हाँ भवन या पेडेस्टल को निकालना है, और मूर्ति की ऊंचाई दी गई है। सवाल सेम वैसे ही करना है एडिट, तो यहाँ पर है मूर्ति की ऊंचाई, यह है BC और बराबर 1.6 मीटर, ठीक है। माना पेडेस्टल की ऊंचाई AB बराबर है h मीटर, ठीक है, और AP पेडेस्टल से बिंदु की दूरी बराबर x मीटर। अब ये पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मूर्ति के शिखर का ये 60 डिग्री है, ठीक है। हम पहले छोटे त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज PAB में, PAB में यहाँ भी tan लगाएंगे, तो tan 45 डिग्री बराबर है AB बटा AP, इसका मान एक होता है, ये है आपका h बटा x, 1/1, तो h बराबर x हो गया, ये पहला आ गया, मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। अब हम इस पूरे में चलते हैं, आप त्रिभुज PAC में tan 60 बराबर AC/AP। अब tan 60 का मान कितना है, √3/1 कर दो, AC यहाँ दोनों जोड़ के बनेगा, तो h प्लस 1.6/x हो गया। अब x किसके बराबर है, h के बराबर है यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं √3/1 बराबर h प्लस 1.6/h। समीकरण 1 से यहाँ एक h के बराबर है, तो ये हो गया √3h
तिरछा गुणा कर दो तो एच प्लस 1.6, ठीक है, ये इधर बचेगा ये इधर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एच को इकट्ठा कर लेंगे तो रूट थ्री एच माइनस एच बराबर 1.6, एच कॉमन ले लो तो रूट थ्री माइनस वन बराबर 1.6, एच कॉमन ले लिया, या तो वैल्यू देख कहीं पॉइंट में रख दें 1.73 रूट तीन का मान और तब सॉल्व कर ले, या ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ एच बराबर आ गया 1.6 बटे रूट 3.1, सॉरी 3-1, परिमेयीकरण करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे तो 1.6 और यहाँ पर ये रूट 3+1 हो जाएगा, जो माइनस है यहाँ प्लस आएगा, प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, और नीचे ये रूट हटा दो, रूट 3 का 3 बन जाएगा ऐसे, स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये फार्मूला लग जाएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया और इसका दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर 1.6 गुणे रूट 3+1 और बटे में क्या है रूट 3 का 3-1, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी एच बराबर 1.6 रूट 3+1 और बटे में आ जाएगा 2, 3 से दो, 2 से कट जाएगा, तो एच बराबर 0.8 1.73+1 और ये बराबर हो गया 0.8 गुणे 2.73 और ये हो गया 8×3=24, 8×3=2 कर दो यहाँ पर, ठीक है, 8×2=16, 8×3=24=25, 8×7=56=58 और 8×2=16=5=21 ये आ गया। तो बराबर ये लगभग में 2.2 मीटर इसकी हाइट है, ये लगभग में आएगा। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचेगा। तो और वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।